श्री कृष्णा। राधे मित्रों, तो सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी मित्रों को। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, आज मैंने जन्माष्टमी की पूजा की बहुत सारी तैयारियां कर रखी है और हमारे लल्ला जी का आज बहुत बढ़िया स्वागत और पूजा पाठ होगा। तो प्रसाद में मैंने ये सारे फल और धनिया और ड्राई फ्रूट्स का पंजीरी और चरणामृत सारे बना करके रख लिए हैं फ्रेंड। खीर, जो श्रद्धा भक्ति जो भी था हमारे घर में, वो सब प्रसाद चढ़ाने के लिए आप देख सकते सब रखा है मैंने। तो इधर मैंने छोटे से टोप में खीर बना के रखा है, मखाना खीर। ये है हमारे लड्डू गोपाल के स्नान करने का दूध और पंचामृत बना के रखा है। उधर पंचामृत बनाया है उनके भोग प्रसाद के लिए, ढक रही हूँ मैं प्लेट में। उनको स्नान करने के लिए भी बना के रख दिया है लोटे में पंचामृत। तो फ्रेंड, हम टीवी में भी देख रहे हैं किस तरह से उनका पूजा पाठ होता है, इस तरह से हमने सारी तैयारी कर ली है। इधर हमारी पोती डांस कर रही है और देख करके टीवी का उसमें भजन आ रहा था, मैंने म्यूट कर दिया है सब, मैंने अपना आवाज़ डाला है। तो खुश होकर के मेरी पोती जो है डांस कर रही है, तो हम लोग भी बैठ करके भजन कीर्तन कर रहे हैं भगवान का। और लाला को हमने फूल में करके रख दिया है, अभी 12 बजे उनका जन्म करेंगे फ्रेंड। तो इस तरह से हम लोग भी जन्माष्टमी करते हैं। तो आगे देखिए हमारा वीडियो पूरा देखिएगा, जो हमें आता है फ्रेंड वो करते हैं। बच्चे अपना को भी इंजॉय कर रहे हैं और भक्ति भाव भजन लगा करके हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड। मैं बच्चों का वीडियो निकाल रही हूँ, तो आप देख सकते हैं इसी तरह से हमने अपने घर में पूजा की तैयारी की फ्रेंड। हमारा घर फ्लैट थोड़ा सा छोटा है रूम, तो जितना हमसे हो पाया है उतना हमने तैयारी की है। तो ये लोग तो अपने मस्ती में नाच ही रहे हैं बच्चे हमारे, कृष्णा जी का धुन कर रहे हैं जो भी आता है बच्चों को। तो इस तरह से हमने साज सजावट किया है फ्रेंड। अब आगे मैं जन्म होने के बाद में लल्ला का आपको दिखाऊंगी वीडियो, अभी तो बस तैयारी करके सब प्रसाद बना के रखा है। अब जन्म करने के बाद उनको तैयार करके नहला करके उनका अभिषेक करेंगे। तो इस तरह से हमने जन्माष्टमी का तैयारी किया फ्रेंड, और बच्चे हमारे खूब इंजॉय कर रहे हैं। भजन लगा दिया है टीवी में, तो अच्छी तरह से अपना डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ये हमारे पोता पोती दोनों हैं, तो इस तरह से मस्ती चल रही है इनकी। जय श्री कृष्णा जरूर बोलिएगा फ्रेंड और वीडियो वॉच करिएगा। अभी हमारे बच्चे लोग मुझे बोल रहे हैं, दादी आप भी थोड़ा सा डांस कर दो। तो देखिए मुझे भी डांस करवा दिए है, तो मुझे तो डांस करने कुछ आता नहीं फ्रेंड, मारे तो खुद का ही शरीर संभाला नहीं जाता है, तो क्या डांस करूँ। बोले नहीं दादी आप थोड़ा सा तो कर दो कुछ, मेरा पोता बोलने लग गया। मैंने बोला चलो ठीक है, लल्ला की खुशी में हम भी कर देते हैं। ये हमारी छोटी बेटी भी तैयार होकर के आ गई है। इधर हमने देख सकते हैं लल्ला का जन्म कर दिया है फ्रेंड, और प्रसाद चढ़ा दिया है, सारे प्रसाद दिया, अगरबत्ती चढ़ा करके हमने लल्ला का जन्म कर दिया है। तो आप देख सकते हैं मैं उनको झूला रही हूँ। इसी तरह से हमने जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया फ्रेंड।
आप देख सकते हैं, सारे प्रसाद चढ़ा वढ़ा के मैंने सब में बांट दिया, जो भी प्रसाद था वो तो सब में बांट दिया, मीठा। तो इस तरह से अब मैं दूसरे दिन का हंडी फोर का थोड़ा सा क्लिप डाला है फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं हमारे घर के पास में ही, एकदम जस्ट हमारे घर के नीचे ही यहाँ पर हंडी फोर होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें मटका बहुत ऊंचा स्थान पे बांधा है, कम से कम 4-5 महले की बिल्डिंग की ऊंचाई पर मटकी बांधा हुआ है फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं इधर सारे मटकी फोड़ने वाले आए हैं और मटकी फोड़ रहे हैं, बहुत मटकी फोड़ों की टीम आई, कम से कम 10 टीम आई होगी, फिर लास्ट में ये टीम जो है 9:30 बज रहा था रात का, तभी ये टीम लास्ट में मटकी फोड़ा फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं 7 महले का ऊंचाई किया सारे मटकी फोड़ने। ये देखिए तो लास्ट में मटकी फूटी ही गई फ्रेंड, देख सकते हैं बहुत भीड़ मची थी देखने वालों की, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, उनकी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। तो आज हमारे कान्हा ने मटकी फोड़ लिया है फ्रेंड, देखिए मक्खन मछली खा लिया है और सभी बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे 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 भाई। तो आज देखिए बस इस तरह से मैंने आज और इस नारी शक्ति का जो ये अद्भुत पूजा में महिला बंदोल सिद्धि मंडल तहे दिल से शुक्रिया करता है। 49th ईयर यही पार्लेश्वर मंडल जो आपके सामने दिख रहा है, वो अभी थाना की सबसे बड़ी हड्डी वहां से तोड़ते हुए यहाँ जेबीनगर पहुंचा है और यही पार्लेश्वर मंडल सात थर यहाँ पर इनकी ऊंचाई पार करने वाला जोरदार तालियों से इनका हौसला बढ़ाएगा। बोल बच्चा धनी की जय।